subscribe to IPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what's up guys, IPM Vlogs back here and अभी मेरे को जाना है छतरपुर, मेरे घर से है 34 किलोमीटर्स. और अभी मेरे को वहाँ पे क्यों जाना है तो मैंने अपनी H2 के लिए कर रखा था एक पार्ट ऑर्डर, जो कि आप देखोगे वीडियो के अंदर ही. उस पार्ट से ना बाइक की जो लुक्स हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी एनहांस की, क्या बताऊँ. तो पहले मैं जाता हूँ घर पे, वहाँ से मैं दूंगा कार अंकल को, वो भी कार अंकल पीछे पीछे लेकर के आएंगे क्योंकि मेरी बाइक से छोटा सामान उतरेगा भी. तो वो सामान क्या आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जा करके. तो अभी आप करता हूँ मोटर व्लॉग, तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को एंजॉय करो, कंटिन्यू करते हैं आज के इस व्लॉग को. एंड आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी ने वो वाला पार्ट अभी तक लगाया है, तो चलो देखते हैं वो क्या पार्ट है. सो चलो तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे एंड मैंने कर दिया बाइक कोल्ड स्टार्ट. तो इतना मैं थोड़ा एसी में बैठ रहा हूं, वैसे अभी हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी. टेम्परेचर इज 41 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, इतनी ज़्यादा गर्मी है. और टाइम अभी 4 PM, तो मेरे को अप्रॉक्सीमेट लगेंगे 1 घंटा 3 मिनट पहुँचने में वहाँ पे. तो चलो चलते हैं एंड अंकल तो आएंगे एसी में आराम से. बट मुझे पता है ना स्ट्रगल, मतलब बाइक का अलग ही मज़ा होता है बट गर्मी में लग जाती है लिटरली. तो चलो पहनता हूँ हेलमेट एंड करते हैं मोटर व्लॉग. मैं अपने घर से निकल चुका हूँ एंड आई कैन लिटरली फील द सन राइट नाउ. बट ये तो एक बूस्ट है ना, ये सारी थकावट और गर्मी मिटा देता है. तो आई गेस जो टेम्परेचर है ना वो मिनिमम अभी होगा 45 डिग्री सेल्सियस. बट जिस पार्ट के लिए मैं जा रहा हूँ ना वो इतना तगड़ा पार्ट है, मतलब आप वो देख के ना ऐसा हो जाएगा, मतलब यार क्या चीज़ है, मतलब अब बाइक कुछ लग रही है. तो वो टोटल 4 पार्ट्स हैं एंड मेरी बाइक से कुछ चीज़ें उतर जाएंगी उस चीज़ के लिए. एंड मेरे घर से जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है वो लगभग 30 किलोमीटर्स के अराउंड है. मेरे को छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आगे जाना है 6 किलोमीटर, तो वहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ जाऊँगा. मेरे को ना बहुत लोग बोल रहे हैं इसका एग्जॉस्ट लगवाया जाए बाइक पर, वो भी फुल सिस्टम. आकरा सोच रहा हूँ मैं, आकरा पॉवे या तो ब्रॉक्स फुल सिस्टम फ्लैश कट वाला जो सेम H2R में आता है, तो उन्होंने एक तरह से ना उसके बिल्कुल एक डिज़ाइन कर रखा है जो H2R में आता है. तो अब यहाँ पे आएगा टनल, उसमें वील ट्राई टू डू सम रेव्स. तो ये आ गया टनल. Amazing. तो भाई जी आ गए छतरपुर एंड निकल गए, कभी भी ग्रीन है, निकल गए एंड निकल गए. ठीक है, लैंड क्रूजर नाइस. ये वाली कार मेरे को मोस्टली से दुबई में दिखती थी सफारी में ना, लैंड क्रूजर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. उमर भैया ने भी लैंड क्रूजर खरीदी थी, ही वाज ट्रेलिंग में. चलो हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं. तो मोस्टली मेरे लेफ्ट और राइट में सारे फार्म हाउस ही हैं देख लो. और अभी मेरे को चलना है रोड पे स्ट्रेट 4 किलोमीटर. बहुत गर्मी है, मैं ना एक चीज़ को यार हूँ, गर्मी. अभी रुक के ना मैंने पानी पिया और पूरी एक बोतल पी गया 1 लीटर. तो भाई मैं तो पहुंच गया था शॉप पे, बट द थिंग इज़ यहाँ पे आके पता करा है वो रेडी ही नहीं है. मतलब मेरे को बब्बू भाजी ने इतना दूर बुलाया मेरे घर से एंड अब वो कह रहे हैं रेडी नहीं है. क्या बोलूँ, मतलब यार समझ नहीं आ रहा. चलते हैं वापस घर पे भाई, कोई बात नहीं. वो पार्ट क्या थे बताऊँगा आपको आने वाले समय, अगर मैं लूँगा. वैसे अब मेरा बिल्कुल मन है नहीं वो लेने का पार्ट, बट स्टिल चलो चलते हैं. तो मैं निकल गया वापसी की तरफ एंड ये हर बार का यही सीन है इनके साथ. बब्बू पाजी मेरे को हमेशा बोलते हैं अभी आ जा, मैं आ जाता हूँ, वो आते ही नहीं है. मतलब यार छोड़ो वो बात, छोड़ते हैं. और अब मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स अपने घर. बट यार अभी मेरा मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का. तो मुझे पता है जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे ना, यहाँ को बरिस्ता है. मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर गया क्योंकि इतनी दूर आया भी और मतलब गाड़ी पे आया, साथ में जो अंकल है वो गाड़ी पे आए
मैं बाइक पे आया तो चलो जो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट है वो भी चलो लगी ही। और भाई अब मेरा मैंने अब नहीं खरीदने कह रहा था कि अब जो पार्ट्स हैं वो क्या थे बता देता हूँ। तो दोज़ वर विंगलेट्स जो लगते इसकी रिप्लेसमेंट है मिरर एंड मिरर की एंड यहाँ पे रहते दो। वैसे आज है डेट 20th September एंड इन्होंने बाकी भी लोगों के लिए बनाए जिनके पास H2 है बट अब यार ये सीन अच्छा नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे को नहीं चाहिए, अगर मेरे को मिलेंगे भी तो मैं नहीं लूँगा अब, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ एक टाइम पे ना मिल रही हो तो वो नहीं लेनी चाहिए ज़बरदस्ती भी। तो चलो चलते हैं वापस, बट उससे पहले कॉफ़ी पियेंगे। तो आज है साइड में जा रहा हूँ बरिस्ता पे, तो यहाँ पे मेरे को मिले दो सब्सक्राइबर्स। हाय हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज नकुल। नकुल, एंड व्हाट्स योर नेम? शिवान। ओके, तो इन्होंने मेरे को पहचान लिया यहाँ पे आ गए अंकल, तो चलते हैं बरिस्ता। तो अभी आ चुका मैं बरिस्ता पे पीने के लिए कॉफ़ी और अभी यहाँ पे साथ में आए हैं अंकल। तो अंकल पार्ट से लो मिल सके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कल बनेंगे और कल दोबारा यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि इतना दूर है ये जगह। बाकी यहाँ खड़ी है बाइक एंड ये पूरी रोड अभी खाली है। एंड अंकल अभी क्या होता है जरा बताना। अरे अभी भैया वहाँ ट्रैफिक वाले हाथ दे रहे थे, मैं तो सोचा मुझे रोक लेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा तेज भगाया फिर दूसरी गाड़ी रोकने लगी। ओके, एंड बिहाइंड मी इट इज़ द पोर्श 911 करेरा एस एंड मतलब क्या ब्यूटी है एंड इसका पिकअप एंड परफॉर्मेंस इज वेरी मच लेट। तो अभी पहले कॉफ़ी पीते हैं फिर कुछ इधर मिलता हूँ। तो अभी यहाँ पे आ चुकी है मेरी कॉफ़ी जो कि मैंने ऑर्डर करी थी कैफे फ्रैपचिनो येरी एंड अंकल की कैफे चिनो। एंड यहाँ पे साथ में वीडियो कॉल पे है अभी साहिल भाई। कैसे हो भाई? भाई बहुत बढ़िया। कुछ बोल रहे हैं आपको? कॉफी ब्रेक इज डन, यहाँ खड़ी है H2, यहाँ खड़ी है मर्सिडीज एंड अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड जस्ट लुक एट द रोड, पूरी रोड खाली है। तो अंकल जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ मैं लगेगा चलो कम से कम 45 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से वापस घर और चलो करते हैं ब्लॉग। Lamborghini ब्लैक कलर में लैम्बो थी वहाँ पे एंड इट वाज लुकिंग वेरी वेरी कूल। तो हम यहाँ से मारते हैं यू टर्न एंड लिटरली लैम्बो की जो आवाज़ थी ना इट वाज वेरी वेरी लेट। तो अब यहाँ से जा रहे हैं। सो एक यही रोड है मोस्टली, यहाँ पे आपको सारे दिख देंगे सुपर कार्स एंड ऑल, लैम्बो फरारी, एक यही रोड है पर्टिकुलरली। तो ओके सीधा जाना है, सीधा जाने के बाद यहाँ पे रेड लाइट है। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, नाइट राइडिंग कर रहा हूँ बहुत टाइम बाद एंड देखो वहाँ से एक प्लेन आ रहा है, क्योंकि जस्ट उस तरफ है एयरपोर्ट जो कि अभी आप देख पाओगे। एंड यार इतना ज़्यादा मज़ा ना मेरे को आया नहीं अभी तक फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब इतनी ज़्यादा खाली रोड मेरे को मिली नहीं वो भी, मतलब बाइक ना एक्चुअलिटी अपनी अब दिखा रही है। क्योंकि हुआ क्या था जब मैं कहता हूँ फर्स्ट राइड पे, दैट टाइम आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद दिस बाइक, बट धीरे धीरे यू गेट यूज टू द थिंग्स, देन यू गेट यूज टू द पावर, देन यू आर एबल टू हैंडल द पावर। लाइक सीरियसली टाइगर से रिस्पेक्ट करना वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बट अगर पावर की बात करें दिस हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, अ लॉट मतलब लॉट भी छोटा वर्ड है। ये देखो मतलब देखते हो ना कि किसी चीज़ को भूख लग रही है तो उसको कुछ खाना खिला तो वो एकदम से जल्दी से खा जाता है बंदा। तो इसका भी वही सीन है, इसको जब रेस दो इसको भागना है। एंड अभी जैसे मैंने देखी एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी एंड लैम्बो की आवाज़ सुन के ना मज़ा आ जाता है हमेशा, उसकी रोर्स होती हैं। ये देखो आगे से प्लेन जा रहा है और ये हो गया चला गया क्रॉस। तो मैं ये टनल पकड़ूंगा क्योंकि इससे मैं सीधा चला जाऊंगा उस रोड पे जो गुड़गांव वाली है, जो गुड़गांव हाईवे।
टनल। साउंड ना पूरी इको करती है, उससे अलग ही मजा आता है हमेशा। And I reach my home and यहाँ पे आके रख दिया मैंने जेरी कैन, क्योंकि दिक्कत हमेशा पता क्या आती है कि अगर बाइक लेकर निकलता हूँ तो हमेशा ये लगता है कि जो पेट्रोल है कहीं इनकेस ना मिले, तो इसलिए हमेशा इट्स बेटर फॉर मी टू कैरी जेरी कैन, क्योंकि हर जगह आपको मिलता भी नहीं 97 या 99। तो चलो भाई अब आ चुका हूँ मैं घर पे, मिलता हूँ आपसे मैं कल एक और डेली ब्लॉग में। टिल देन बाय, बाकी सब्सक्राइब कर देना, वाई पी एम ब्लॉग्स को क्लिक कर देना, बेल आइकन को मिलते रहेंगे रेगुलर में चैनल की हरे अपडेट्स एंड स्टे सेफ। बाय।